उसमें भाई उसमें कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ना चाहो। एक आदमी तक डर के व्यवस्था हम बिगड़ने देने के और हंगामारी हम अपने धरने में भी निबट देने के। जिसे जी करेगा उसे बैठाऊंगे, जिसे जी करेगा हम कान पकड़ के बाहर काट देंगे भाई। एक ये जो पुलिस प्रशासन है, हम सभी कह रही घर भी गए थे, यहाँ भी आए थे, इनसे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे समाज की एक व्यवस्था है जिस पर ये समझते हैं चौधरी सुरेंद्र कहता का धरना उठ जाएगा, नहीं उठने का मुझे पता भाई, और ना मेरे पे कही जाने की। हमारी पंचायत की एक व्यवस्था है जिस पंचायत व्यवस्था का हम प्रतिनिधित्व करते हैं वहां शोषण का निषेध है और संवेदनाएं इतनी प्रबल है कि किसी एक की पीड़ा की अनुभूति में तमाम लोग करते हैं जिन्हें अपना और अपने समाज का विधान बनाने की है। उसी समझ के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसी समझ के तमाम लोग सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, उसी समझ के तमाम लोग यूपी द्वीप पर बैठे हैं। साथियों आनी रही क्या बात थी, अच्छा साथियों ये जो पंचायत व्यवस्था है ये हमें विरासत में मिली है और हमारा नैतिक दायित्व है कि इस विरासत को आने वाली पीठ को सौंप कर जाएं। और ये तभी संभव है कि पंचायत में न्याय हो, क्योंकि ये पारंपरिक सत्य है कि पारंपरिक मूल्यों की रक्षा केवल और केवल न्याय कर सकता है और न्याय करने के लिए शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारी पंचायतें शक्तिशाली रही हैं, चाहे वे तैमूर लंग के आक्रमण की बात रही हो या 1857 की क्रांति की बात रही हो। इसलिए मैं चाहता हूं और प्रशासन से बताना चाहता हूं कि फैसला हम नहीं, ये पंचायत लेगी। बताओ भाई क्या चाहो, धरना जारी रहेगा आप कुछ कह चलो चलोगे, धरना जारी रहेगा और भाई शांति व्यवस्था बनाए रखो और जो आदमी रुकने में रहे टेंट में चले और ज्यादा से ज्यादा आदमी रहे रुकें। इन्हीं दर्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।